हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो को इस तरह का कलर ग्रेडिंग करेंगे। और इस तरह का कलर ग्रेडिंग किस तरह करते हैं आपको यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप इंस्टॉल कर लेना है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब आपको लाइट मोशन ऐप डाउन ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में एक प्रोजेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ आपको 9.16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। और आपको गैलरी में जाना होगा। आप जिस वीडियो पे कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं भाई, आप वीडियो ऐड कर लेनी है। मैं वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे वीडियो पर सिलेक्ट करना होगा आपको। यहाँ पे आप ऊपर की साइड में आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप दोस्तों उसी डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है। और नीचे आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाना होगा आपको ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको एक अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर पे चैनल रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन नंबर सेक्शन पे जाके बी की जगह जी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको फिर से ऐड पे जाना होगा। यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे सर्च कर लेना होगा सैचुरेशन। यहाँ सैचुरेशन वाइब्रेशन आ जाएगा, इसको सिंपली क्लिक करके ऐड कर लेना और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन को एडजस्ट करना होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सैचुरेशन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसको ज़्यादा कर लेना है, इसको हमें 30 तक कर लेना है। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना होगा और आपको यह दोनों सैचुरेशन को कॉपी कर लेना होगा। नीचे में आपको 3 डॉट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जाना होगा आपको इफेक्ट पे। यहाँ पे प्लस नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर जाना है ऐड इफेक्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गॉसियन ब्लर। यहाँ पे GA लिखेंगे तभी आपका गॉसियन ब्लर आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको ऐड करना होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना होगा और इसे हमें एडजस्ट करना होगा, इसे हमें बढ़ा लेना है या इसको हमें 400 तक कर लेना है। फिर आपको एरो पे क्लिक करना होगा और एक नया इफेक्ट को ऐड करना होगा। फिर आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको EX बोल के सर्च करना होगा और यहाँ पे एक्सप्लोजर गामा आ जाएगा। सिंपली एक्सप्लोजर गामा पे क्लिक करना और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको एक्सप्लोजर गामा को एडजस्ट करना होगा, तो सिंपली हम इस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लोजर को माइनस कर लेना है। तो एक्सप्लोजर को यहाँ पे हमें -0.50 तक कर लेना है। फिर यहाँ पे ऑफसेट को सिलेक्ट करना होगा और इसे -10 तक कर लेना है। फिर आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ से बैक कर देना है। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर में ब्लेंडिंग ऑपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको डिफरेंस पे क्लिक करना होगा। फिर तीसरे नंबर पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फिर आपको स्क्रीन पे टैप कर लेना है। फिर आपको नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करके स्क्वायर साइज को सिलेक्ट करके ऐड करना होगा। फिर आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फिल पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर जाना होगा कलर पे और यहाँ पे जाके आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना होगा। फिर आपको जाना होगा ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पे। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऑपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे आप अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हैं।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। फिर आपको बैक पे क्लिक करना होगा। फिर हमें इस लेयर को वीडियो के लास्ट तक करना है, तो सिंपली लेयर को क्लिक करिए और यहाँ पे आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका वीडियो रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर की साइड में एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।